यहाँ पर आज महाशिवरात्रि है तो बहुत खुश है ये पब्लिक। हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं पलवल। अच्छा, पंचवटी मंदिर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है आज है शिवरात्रि, ठीक है, तो वहाँ पे जो शिवरात्रि मनाई जाएगी तो आज हम उसी को एंजॉय करने वाले अभी मजा आएगा ना। ये हमारे पास भूपेश है और जो पंकज है वो जा चुका है, आगे निकल चुका है, तो हम चलते हैं, अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ चल के आप दिखाएंगे कि कैसा मनाया जाता है महाशिवरात्रि और कैसा वहाँ पे एंजॉय करते हैं। चल चल गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। गाड़ी चलते हैं बिना किसी देरी के मौज करने। पंकज जो है वो ऊपर जा चुका है और भोपाल भी और भूपेश भी है उधर ही, तो अब हम ऊपर चल के देखते हैं कि वहाँ पर कैसा सीन ये ले रहे बंदे। और ये देखो सब ये रहे दोनों स्टार हमारे गोपाल। तो गाइस गोपाल के चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि गोपाल भी अपनी वीडियो बनाता है, उसका भी एक चैनल है, तो मैं आपके इस चैनल का लिंक भी रास्ते में डाल दूंगा। तो ये है हमारा गोपाल। और गोपाल सुना भाई, सुना बढ़िया। यू पंकज, यू चंचल, देखो देखो दरिंद की चेहरे से टपकती है नंबर एक का कबीला। तो गाइस हम आए हैं पलवल पंचवटी मंदिर में, तो यहाँ पे जो है भीड़ क्राउड जो है बहुत ज्यादा है, तो देखते हैं अंदर चल के कैसा मनाया जा रहा है। और सामने हमारे जो है तो ताऊ ताऊ शॉप है असली है। जय हो भोले बाबा की। दादाजी करेंगे दान पुण्य भी करेंगे, शाप खा जाए। तो गाइस जो हमारा शाप है काड़ा वाड़ा, मैं बिल्कुल गोपाल के मिडाल, गोपाल के मिडाल, गोपाल के मिडाल, गोपाल के अंदर डालते हैं आराम। डर लग रहा है यार, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हल्की फुल्की भोले बाबा की। तो गाइस यहाँ पे जो क्या है बहुत से लोग हैं जो कि मतलब गोपाल को जो है देखते जा रहे हैं, तो हमारे जो गोपाल है इस तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन यार गोपाल का क्या, गोपाल अपना मस्त बंदा है। तो गाइस अंदर देखो, अंदर आरती का टाइम हो गया, तो आरती हो रही है। जय हो। गोपाल कहाँ है?
तो गाइज हमें काफी टाइम हो चुका है यहाँ पर आए, तो गाइज यहाँ पे क्या है कि आरती हो रही है और हमारे भोपाल जो है यहाँ बहुत अट्रैक्शन दे रहा है लोगों को, भोपाल से लोगों को बहुत अटेंशन मिल रहा है, बहुत खुश है पब्लिक। भोपाल दर्शन अन्य आ गए, तिरंगे नो लगा लिया है तो गाइस भोपाल का तिरंगे नो पंचवटी आने मेरे को आज पहली अल्लाह आया हूं ना यार। तो गाइस भोपाल का कहने का मतलब ये है कि मतलब लोग यहां पंचवटी के लिए नहीं मतलब मोह देखने आ रहे हैं हमारे, तो भोपाल जो है बहुत अटेंशन दे रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? तो गाइस क्या है कि सब गोपाल को देख के मतलब उनकी नजर ही न हट रही और खुश हो रहे कि कैसे का चीज देख ली, तो मतलब मैं अभी यहाँ पर रिएक्शन दिखाता हूँ उनको, ठीक है? और आप क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहूंगा भाई गोपाल हमारा बेस्ट, गोपाल इज द गोपाल इज द बेस्ट पॉलिसी। कुछ भी अरे वहाँ बैठ के भी देव ना कुछ। हेलो गाइस भाई उनसे बोलो ठीक है, राम राम जी। जब यहाँ पर हम बैठेंगे कुछ लोगों को देखेंगे तो ये दोनों आपस में बात कर ले और कुछ लोगों का रिएक्शन देखेंगे गोपाल को देखकर कैसा है। तो गाइस यहाँ पे मैं मतलब कुछ खड़ा हूँ बिल्कुल, अब देखते हैं कुछ लोगों का कैसा मतलब रिएक्शन होगा। तो अब कुछ बच्चे आ रहे हैं तो गाइस ये देखो इसमें देखते अभी देखा और मतलब बहुत बहुत लोग है जो गोपाल को देखे जा रहे हैं। पंकज पंकज बात करो आप बात बात पंकज बतराओ बच्चे को देख रहे हो आप मतलब गोपाल तो अपने चुप मौज ले रहा है और देखो आने जाने वाली पब्लिक को देखो आप। ऊपर ऊपर तो गाइस ये देखो गोपाल को देखो मतलब आज के जो पब्लिक ने जो कंटेंट है जो गोपाल ही ले लिया है। मतलब यहाँ से यार उल्टा हो गया कुछ बंदे मतलब मुझे भी देख रहे हैं यार, क्योंकि हमारे पलवल सिटी में जो है ये चीज मतलब कॉमन नहीं है, ये चीज थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए सब मतलब थोड़ा सा झाँक झाँक के देख रहे हैं। जब हमारा थोड़ा ब्लॉग जो है समाप्त होने वाला है, अब इनकी जो प्लानिंग है सारी खत्म हो चुकी है, तो हम अपने घर के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। तो गाइस वैसे तो हमने सोचा था कि यार कि यहाँ पर आज महाशिवरात्रि है तो कुछ ना कुछ मतलब अच्छा ही प्लान होगा, लेकिन बट यहाँ पर इतना कुछ ज़्यादा मतलब जैसा अपना नॉर्मल दिन वाला होता है ऐसे ही है बस कुछ नहीं। बस हाँ आज के दिन ये डिफरेंट लगा कि यहाँ पे जो है मतलब लोगों की भीड़ ज़्यादा है आज, बस और दिन से आज यही ज़्यादा है कि आज लोगों की भीड़ जो है आप देख रहे हो कि आप मेरे पिछली वाली वीडियो में देखना उसमें जो भीड़ थी वो नॉर्मल थी और इस वाली वीडियो में देखो कि जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो गाइज ये जो मूर्ति मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये जो है द्रौपदी ने खुद ने अपने जो महाभारत की द्रौपदी थी उसने अपने हाथों से यहाँ पर स्थापित की थी। तो गाइज ये बात सच्चा है या झूठ है जो भी हमारे पलवल के लोग हैं तो वो कमेंट करना कि ये मूर्ति असली है मतलब दबी की मूर्ति है या फिर नहीं है। तो चलते हैं गाइज अपने घर वापस। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात अगली वीडियो में। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो है जो बहुत अच्छा पसंद आई होगी। तो गाइस मुझे वीडियो में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।